yang satu kurang lebih sama sama. Yang ini apa kamu sama sama bagaimana? Dimasukkan ke sini ke sini ke sini. Terasa sangat benar juga. Agar berhenti aktif berapa juga. तुम भेजते नहीं है ऊपर की सत्ता सिंह के सारे घर आपके साथ वो देख रहे हैं नवदीप जगत के जो लोग हैं वो आपको देख रहे हैं आपको देखकर ही उनका एक कदम आगे बढ़ेगा बैठक का जो उद्देश्य है कि लोगों के दिलों में शिव स्थापित हो हर व्यक्ति का एक कदम शिव के दिशा में बढ़े उसके लिए ये आयोजन रखी जाती है यह सौभाग्य है कि आज आपका कार्यालय का जो स्थापना दिवस मनाते हैं बड़ी खुशी की बात है लेकिन उसके साथ साथ आपके दिनों में भी शिव की स्थापना हुई है ना उसको भी आगे सोच करके आगे बढ़ना होगा ना कहा गया शिव आपके गुरु है सारे लोग जान गए तीन सूत्र तीन सूत्र उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है जान लेने से हम शिव के शिष्य हो गए इस मानसिकता से ऊपर उठे जो शिव को आज भी गुरु नहीं माने हुए है वह व्यक्ति ही इस बात को जान चुका है कि हरिद्रानंद एक व्यक्ति धरती पर आया जिन्होंने आम जनमानस के लिए घोषणा कर दिया कि वह परमात्मा से आपके गुरु हो सकते हैं आपके गुरु हैं आप कहीं भी उनसे ज्ञान ले सकते हैं सर्व जानेंगे लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग अभी भी होंगे हमारे आपके बीच में जो घर से बाहर नहीं निकले होंगे अरे की ऐसी चर्चा करेगा तो जाकर भी हमारी आपके पहचान शिव चर्चा करने वाला के रूप में हुआ है शिव के शिष्य के रूप में नहीं हुआ है साहब कहीं से काम चलने वाला नहीं है मैंने तो तीन सूत्र आपको दिए थे कि इस तीन सूत्र के माध्यम से शिव तक आप पहुंचे शिव आपके हो जाए और आप शिव के हो जाए इसके लिए हम दया को खूब मांगते हैं दया मांगने में कटौती नहीं करते हैं लेकिन दया किसने मांगने की बातें कही जा रही है कि मेरा मन समझे कि शिव मेरे गुरु है मेरा मन जुड़े शिव से आप वास्तव में शिव के गण हो जाए गण मतलब होता है शिव का आदमी और जो शिव का आदमी होता है वो शिव के पास होता है आप देखते होंगे और पूजा पद्धति में दास एगो शब्द है दास ठाकुरबाड़ी में नहीं लिखते श्री श्री खलना दास जी महाराज जो दास दास का मतलब होता सेवक और सेवक कभी भी जिनके भी दास हैं उनके नजदीक नहीं बैठ सकते हैं उनके नजदीक नहीं रह सकते हैं और जो घर मतलब होता है आदमी यानी जब भी आप आदमी बन गए हो वास्तव में जाने के मात्र पूरे ठीक अध्यात्म बताता है कि शिव का गण होता है शिव का दास नहीं होता है बल्कि और जो भी देवी देवता उनके दास होते हैं क्योंकि आप शिव के संग शिव के साथ बैठने का अवसर मिला है आपको कि शिव के शिष्य होकर के शिव के आदमी बन करके शिव का गण बन करके आप शिव के साथ हो जाए आपका जीवन आनंद ही आनंद होगा आप सुख दुख की बातें कर रहे हैं वो तो बहुत छोटी चीज है वो जगत में आए हैं छोटी सी चीज है सुख और दुख आप सुख दुख में इंटरेस्ट हैं कागज सुख और दुख आ रहा है जा रहा है आपको आनंद में साहब ऐसी चीजें दिए हैं कि आपके आपके पूरे परिवार का जीवन आनंदमय हो जाए फसल के तो उस शिव को आप आत्मसात करें और उसके लिए आपको तीन सूत्र जो दिया गया है कहने की आवश्यकता नहीं सारे भाई बहन जान रहे हैं दया मानना चर्चा करना नमस्कार से प्रणाम करना उसको भी आप अपने आत्मसात करके आप अपने दिल से आवाज निकालिए आपके मात्र बोली में आवाज निकल रही है आपके अंदर दिल से जिस दिन आवाज निकल जाएगा शिव मेरे गुरु है उस दिन आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा बस आप सबों के चरणों में प्रणाम विनती करता हूँ मेरे प्रणाम को स्वीकार करें और साथ ही साथ आपसे मैं तो विनती भी करके जा रहा हूँ भाई के नाते वास्तव में बहुत बहुत से आपके भाई भी आए होंगे बहुत सारी बात यदि आपके मन में कुछ विचार आएगा रखिएगा आपकी बात को आपके भाई बन कर करके आपके सामने कुछ बताएंगे लेकिन शांति रखिएगा तो माहौल बड़ा अजब घर का माहौल था उनका भी रहे थे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे मैंने सोचा कि चलो भाई बहन से थोड़ा विनती तो करें कि हम आप शिव के शिष्य बनने चले हैं हम आप शिव का शिष्य कह रहे हैं तो वास्तव में बाहर हमें दिखे कि हम शिव के शिष्य बैठे हुए हैं दूसरा कोई नहीं बैठा हुआ है बस आप सबों को चरणों में प्रणाम
अभी